नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे वाह यार, ये देखो आज तो कुशल दंपत्ति आए हैं यार। ओहो, आप लोगों देख के ना हृदय पुलकित हो गया, दिल बाग बाग हो गया, हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। क्या बात है। वैसे रेणुका जी, सबसे पहले आपको तो हम साष्टांग प्रणाम करना चाहेंगे। ऐसा क्यों? किस बात? इसलिए हाँ। क्योंकि जिस विलन के सामने बड़े से बड़ा हीरो चुप हो जाता है, उनको आपने शांत करके अपने बगल में बैठा रखा। हाँ हाँ। क्या बात है सर। लेकिन आप लोगों से एक बात जानना चाहेंगे, जब पहली बार आप लोगों का मुलाकात हुआ था, तभी आपको कॉफी पे लेके गए थे कि अड्डे पे? एक और पूछना चाहेंगे, जब इन्होंने आपको प्रपोज किया तो हाथ मांगा था कि हफ्ता मांगा था? निकालो। नहीं, पूरा जन्म मांगा था। अरे हफ्ता नहीं, जन्म मांगा। बात तो बहुत कर, चल भाग, अगर भाग सकता है तो, नहीं तो रेंग के जा। चल आ जाते हैं मेहमानों को परेशान करने। परेशान नहीं कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं क्या? फैन है हम यार, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं हम आपके। कौन 13 बार फिल्म हमने देखी, उसमें आपका दिखता ना दिखता ना दिखता ना ता ना दिखता ना। ओहो हो, आपको सच बताएं, आपको पता नहीं होगा, आपका दिखता ना देख के मोनिश भी बहल गए थे। और ये आपकी फिल्म देख के फैल गया था। आपको पता है छाती के बाद सारा इलीगल है। अरे रुको यार, शांत रहो, गेस्ट आए हैं, उनसे जरा रूबरू होने दो, गेस्ट के साथ थोड़ा गुफ्तगू करने दो, गेस्ट के साथ थोड़ा करने दो सर। लेकिन मानना पड़ेगा सर, आपकी हिंदी इतनी उत्कृष्ट है, इतनी प्रभावशाली है कि उससे प्रभावित होकर हम आपके लिए एक माला लाए हैं। ये कैसी माला है? ये वर्णमाला है, हिंदी प्रेमी को यही लगती है। बहुत अच्छे। सच बता रहे अर्चना जी, ये तो इतने प्रेमी है हिंदी के, अपने घर से निकलते हैं ना तो कार लेके नहीं जाते, ये अलंकार लेके जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी जब लॉकडाउन हुआ, इतने मोर आए थे फिल्म सिटी में, उनके साथ वापस क्यों नहीं चला गया? अब मोर के साथ आम आदमी हैंग आउट नहीं कर सकता है। वैसे आप भी एक कैसे विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कपिल सर। अपने इन शब्दों को ना जरा विराम चिन्ह दीजिए, ताकि एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को वचनबद्ध कर सके। आई बात समझ में? ओ हिंदी के शशि थरूर, आज किसी कवि की धोती तो नहीं पहना है तू? बड़े तू बड़ी बड़ी भारी भरकम शब्द यूज कर रहा है। संगत का असर है ब्रो। होता है। सर आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे कि ये लौपत गामनी गमन आगमन सूचक रक्त हरित लौपटिका के नतमस्तक करने के पश्चात लौपत गामनी के गमन न करने के क्या कारण है? ओह माय गॉड, वाह 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 वाह, क्या कहा? ये सर अपने स्कूल के दिनों में रटा था, इसके लिए आप आए हैं तो आपके सामने सोचा सवाल पेल देते हैं, ऐसा कुछ खाली पूछने में मजा आया। क्यों आप ही समझेंगे, पता नहीं और कौन समझेगा, क्योंकि हम खुद ही नहीं समझे हैं। लेकिन सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, हमने सुना है कि आप अपने दिनों में ऐसे रामलीला में रावण बनते थे, फिर तो 10 गुना पैसे कमाते होंगे आप। 10 गुना क्यों? क्यों पर हेड मिलता होगा ना। सर हमारा ऐसा हास्य विनोद चलता रहता है, अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, और साथ साथ अगर 501 का लिफाफा भी दे देंगे तो। क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो आशीर्वाद है ना ज्यादा काम नहीं आता, 501 बहुत काम आता है। सही बात, सही बात है। वैसे सर आपकी सारी फिल्में देखी हमने, सारी की सारी। आप कर्ज में थे ना? हाँ हम भी कर्ज में थे। कब कर्ज में था? अरे लॉकडाउन में शो बंद हुआ ब्रो, हम कर्ज में ही थे तब। और इस कर्ज से कैसे बाहर निकले हैं हमारा पड़ोसी जानता है। पड़ोसी कैसे जानता है? अरे वही तो खाना सप्लाई करता था हमें। हाँ फिर ये इतना खा गया कि पड़ोसी कर्ज में आ गया। पड़ोसी कर्ज में कैसे हो सकता है? अभी तो बताया कि आशुतोष जी कर्ज में थे, क्या कर रहे हो ब्रो? बच्चा तू करने गया है यहाँ पे? हम यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रम्प पम ट्रम्पम पम ट्रम्प पम 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 करने आए, करवाओगे? यार ना आनी ना जानी में मुकेश अंबानी भी ऐसे पीछे पड़े रहते हैं पार्टी के यार। ओह माय गॉड,
अरे पारी पर्ची कटने के आसी कट के ले आंदा पिज़्ज़ा पारी पर्ची कटने के आसी कट के ले आंदा पिज़्ज़ा ऐ दिन खुशियां दा कि दिन नाल आया चीज़ा ऐ दिन खुशियां दा कि दिन नाल आया चीज़ा ऐ दिन खुशियां दा कि दिन नाल आया चीज़ा अश्तुष अश्तुष राना राना रेनुका रेनुका शाने शाने दीदी दीदी जीजू 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 दीदी दीदी जीजू भाभी क्या बात है ये किसके स्कूटर का हैंडल लगा के आ गई हो ये क्या बनाई चुटिया बता दूं बताओ बताओ वो रोमांस करते करते ना हमारे 11 बच्चे हो गए घर में कपड़े सुखाने के लिए जगह ही नहीं बची इसमें मैं बच्चों के लंगोट सुखाती हूँ क्योंकि आधी धोती तो पूरी जगह घर की ये ले लेती है और फिर भी धोती सूखती नहीं है ये वाला जो हिस्सा है ना धोती का वो जनवरी से मार्च में सुखाते हैं वो वाला हिस्सा हम मार्च से जुलाई में सुखाते हैं और ये वाला हिस्सा ना धोती का जुलाई से नवंबर तक सुखाते हैं तो दिसंबर में क्या करते हो फिर धोती उठानी भी तो होती है रेणुका जी मैं सच्ची बताऊं मेरा पूरा साल धोती में चला जाता है दीदी जीजू दीदी ए हमारे दीदी जीजू कहाँ से हो गए वो आपने देखा ही हुआ हम आपके कोण में माधुरी दीक्षित की बहन बनी थी है मैं कौन सा माधुरी से कम हूँ माधुरी दीक्षित कहाँ ये जरूरत से ज्यादा विकसित चुप रहो मुझे गेट्स के साथ बात करने दो रेणुका मैम मैं आपकी बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ आप सर्कस में शाहरुख खान जी के साथ थी ना बिल्कुल देखो वो भी आज स्टार है आप भी स्टार है मैं भी इनके साथ सर्कस में थी ये देखो आज ये भी यहाँ है और मैं भी यहाँ तो ये भी ऐसे यहाँ नहीं पहुंची हैं बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचने वाले सिद्धू जी को हटा के यहाँ पर ओए चलो अभी बहुत तंग कर दिया तुमने चलो निकलो यहाँ से उबले हुए पेंगुइन कहीं क्या केवल जी खबरदार आपने मेरे पेंगुइन को उबला हुआ कहा तो ये जैसे भी हैं मेरे पति पेंगुइनेश्वर हैं मैं हूँ आपके साथ तो अच्छी बात है यार मेहमानों के बारे में तुम कुछ जानती भी तुम जाओ यार छोड़ो मैं उनकी फैन हूँ बच्चा जी मैंने सब सर्च की हुई है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ आपने फिल्म बनाई है ना उसमें क्या अच्छे अच्छे सीन बनाए हैं एक कोरोना का वैक्सीन ही बना देती आप डॉक्टर थोड़ी ना है वैक्सीन कैसे बनाएंगे यार कलाकार है डायरेक्टर है मराठी में एक अच्छी सी फिल्म बनाई है हाँ तो वैक्सीन मराठी में बना देते हम मिसल पाव के साथ खा लेते हैं अच्छा है लेकिन वैसे आशुतोष जी आप हंसते हुए बड़े क्यूट लगते हैं अच्छा मैं आपको एक बात भी बताना चाहती हूँ आप ना पहले मेरा क्रश हुआ करते थे फिर मैंने आपकी संघर्ष देखी मेरा विचार ही बदल गया क्यों मैंने सोचा जो बंदा खुद को साड़ी में देखे ऐसे कर सकते हैं मुझे साड़ी में देख के पता नहीं क्या करेंगे चलो ये तो अच्छा है इन्होंने तुम्हें नहीं देखा वरना हमारी और तुम्हारी शादी कैसे होती हमें कौन सा शादी करके राजकुमार मिल गया है कहां हमने सपना देखा था आशुतोष राणा का और कहां हमको क्या मिला राणा मटूंगा तो हमने भी सपना देखा था सुंदर महिला का हमें क्या मिला महिला जयवर्धन है ज्यादा बकवास की ना तो यहीं पर आपका अट्टा पट्टू कर दूंगी सुनो मेरी बात सुनो कहीं आपस में टकरा के इधर आग ना लगा देना चलो जाओ मैंने नहीं जाना देवर जी ये जब देखो मुझे ऐसी बातें सुनाते रहते हैं क्या कमी है मेरे में आशुतोष जी क्या कमी है मुझ में है नहीं नहीं कोई नहीं कोई कमी नहीं है जो कुछ है जरूरत से ज्यादा ही है आपको हम सच बताते हैं अभी दो दिन पहले हमने इससे कहा कि दूध थोड़ा ज्यादा है घर में इसको फाड़ के पनीर बना दो ब्लेड लेकर आई ब्लेड से वो दूध फाड़ रही है दूध अच्छा अब एक लीटर दूध फाड़ने के लिए क्या तलवार चला दे हम आए बड़े ऐसी बातें तो करते हैं रोमांस नाम की तो इस बंदे में कोई चीज ही नहीं है अच्छा हम में रोमांस नहीं है अरे नहाते हुए कौन मांगता है तुमसे साबुन साबुन में कौन सा रोमांस होता है जॉइंट फैमिली में समझिए यही रोमांस होता है इशारों को समझो तो ये इशारे अपनी माँ को भी समझाने थे आए बड़े साबुन ये मुझसे मांगते थे लेकर इनकी माँ चली जाती थी टावल मैं मांगती थी
अच्छा तो लोग पत्थरों के पीछे ज्यादा रोमांस कर लेते हैं, जो हम घर में भी नहीं कर पाए। लेकिन रेणुका जी, हम पत्थरों के पीछे भी गए थे रोमांस करने। वहाँ पे हमने नारियल पानी मंगाया, पता कौन लेकर आया? इनकी माँ। नहीं नहीं, इनका बाप। ससुर जी का नारियल पानी का काम है ना। तभी तो ऐसा स्ट्रॉ वाला नारियल पैदा किया है उन्होंने। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।